अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस वक्त यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के और आप देख सकते हैं बाहर का क्लाइमेट। ये जो हमने प्लांट वगैरह लगाए थे ना, ये सारा गर्मी की वजह से ना जल गया है। और बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली इस क्लाइमेट में प्लांटिंग करना, लेकिन ये पहले से लगा हुआ था और अब तो इसकी कंडीशन ऐसी है कि इसमें एक भी पत्ते ग्रीन कलर के नज़र नहीं आ रहे, सारे ब्राउन हो चुके हैं, जल चुके हैं। तो खैर, आ गई हूँ मैं किचन में और मुझे खाना बनाना है। तो पहले यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ऑरेंज कट कर रही हूँ, इन्हें दे दूँगी तो फिर वो खेलते खेलते ना खा लेंगे। 4-5 दिनों से रखे हुए ये, और रखे रखे ना ये मतलब कि इसकी स्किन पूरी सिकुड़ जाती है और फिर वो जो अंदर का टेस्ट होता है ना वो भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा इन्हें पहले दे देती हूँ। बच्चे जब एक साथ बैठते हैं ना तो फिर वो एक दूसरे को देखकर खा लेते हैं, वरना फिर अकेले अकेले दो तो वो नहीं खाते। अच्छा, ये जो ऑरेंज के छिलके हैं ना, ये भी बहुत काम आते हैं। इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। फिलहाल तो मैं इसे रख रही हूँ क्योंकि है ना मैंने इसको बॉईल करना है और उसके बाद जो पानी आएगा ना उसका, उसे मैं प्लांट में इस्तेमाल करूँगी। और गर्मी की वजह से खाना भी हैवी पकाने का या फिर खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वैसे मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कढ़ी पकौड़े बनाने के लिए। मुझे कढ़ी पकौड़े बहुत पसंद है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, तो फिर मैं उसके लिए यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप दही और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी, और उसके बाद हम इसे ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरी जो कढ़ी होती है वो ना तो ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो इसीलिए मैंने 2 कप में 2 टेबल स्पून बेसन इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल दें कि आप कितना ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं, क्योंकि फिर इसे बॉईल भी होना है, पकना भी है, तो उसके बाद ये काफ़ी थिक हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह का मैंने इसका बैटर बना लिया है और अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। मेरी जो कढ़ी की रेसिपी है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें तो फिर आपको इसका टेस्ट समझ में आएगा। अगर यहाँ पर कोई बैचलर्स वगैरह रहते हैं या फिर वो लोग जो फैमिली के साथ में नहीं रहते ना, वो भी इस कढ़ी की रेसिपी को आसानी से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है ये। मैंने इसमें ऐड किया है कड़ी पत्ता, उसके बाद मैंने हरी मिर्चों को कट करके ऐड किया है। आप चाहें तो पेस्ट बनाकर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप पेस्ट ना बनाएं, एक बार इस तरह से ट्राई करें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन, प्याज और थोड़ी सी अदरक, उसे भी हम मैंने बारीक बारीक यहाँ पर चॉप कर लिया है। अच्छा, गर्मी के दिनों में ना इन चीज़ों का अपना ही मज़ा है, तो एक आध बार ज़रूर ट्राई किया करें, कुछ हटके भी बना लिया करें। और ये जो चॉपिंग है ना, ये मेरी चॉपिंग इतनी फास्ट नहीं है, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि टाइम कम लगे। तो अब ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे इस कढ़ी के बैटर के अंदर और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दें। और ये जो कढ़ी का बैटर है ना, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी को रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल फास्ट कर दिया है और उसके बाद आपने इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। अगर आप इसको ऐसे ही फ्लेम पे रख के छोड़ देंगे ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दही होती है वो फट जाती है और उसके बाद जो आपकी कढ़ी का टेक्स्चर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहें और जब इसमें बॉईल आ जाए ना, तो उसके बाद फ्लेम को लो कर दें और इसको हाफ़ कवर कर दें आप, बस ये कि ये बॉईल होकर बाहर ना आ जाए। और कंटिन्यू आपने इसे पकाना है फिर लो फ्लेम पर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। तो कढ़ी को मैंने पकने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैं पकोड़े बनाने के लिए ना उसका बैटर बनाने लगी हूँ। तो प्याज के साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन और इसके अलावा मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है। उसके बाद हम बेसन डाल देंगे और फिर पानी डालकर इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। क्योंकि मैं इसमें सोडा ऐड नहीं करती हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ना तो ये अपने आप ही अच्छे से फूल जाता है। और आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी कट करके डाल दें, मेरे पास थोड़ा सा था, उसे मुझे कढ़ी में डालना है तो मैंने फिर ये जो पकौड़े का बैटर है इसमें हरा धनिया ऐड नहीं किया है।
अच्छा, जब तक मेरी कढ़ी पक रही है और फिर ये जो पकोड़े का बैटर है ये भी अच्छी तरह से फूल जाए उस वक्त तक मैंने इसे साफ़ कर लेना है। कल ये हम लेकर आए थे, बहुत ही फ्रेश नज़र आ रही थी तो हमने ले लिया था। और वैसे भी ये अच्छी होती है, खाना चाहिए, मुझे ये अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पर ना इसे लाल चौलाई कहते हैं, और आप लोगों के पास क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस मैं इसके पत्ते अलग कर रही हूँ और उसके बाद इसे वॉश करके थोड़ा सा कट कर दूंगी, क्योंकि ये जो पत्ते हैं ना ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। और इसकी जो डंठल, अगर कौली हो तो थोड़ी बहुत आप डाल सकते हैं, लेकिन ये पत्ते बड़े हो गए तो इसकी डंठल जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड है, तो फिर मैंने उसे नहीं निकाला है। तो जब तक यहाँ पर मेरी कढ़ी पक रही थी, बाकी के दूसरे काम मेरे हो चुके हैं। और कढ़ी अब अच्छी तरह से पक चुकी है तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, और दूसरी तरफ जो मैंने पकोड़े बनाने थे वो भी बना लिए थे। और इसको ना मैंने तकरीबन 50 मिनट तक पकाया है, और ये जो कढ़ी आप देख सकते हैं ना कि कितनी ज़्यादा ठीक हो गई है। तो फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ना पकोड़े इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसका तड़का बना लेंगे। तो तड़का बनाने के लिए एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया है, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे। आप चाहे तो घी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई, और इसको अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। आप चाहें तो 2-4 इसमें मेथी के दाने भी डाल सकते हैं, फ़िलहाल मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ज़रूर ऐड करें, ये डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते और 2-4 जो सूखी हुई मिर्चें आती है वो आप चाहें तो ऐड कर दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है, जब तक कि जो प्याज का कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में ये जो हमारा तड़का है ये रेडी हो गया है, तो इसे हम लगा देंगे आप अपनी कढ़ी के ऊपर। तो बस यहाँ पर जो हमारे कढ़ी पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। और इसको एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए ना ये जो थोड़ी सी कढ़ी लेकर इसमें से तड़के वाला बर्तन है ना इसमें इस तरह से साफ कर लें, इससे आपकी कढ़ी में एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाएगा। ये कढ़ी पकौड़े के साथ में मैंने बनाए हैं बिल्कुल प्लेन राइस। बहुत से लोगों को ज़ीरा राइस भी पसंद होता है, लेकिन मुझे कढ़ी के साथ में ना प्लेन राइस पसंद है। तो बस यहाँ पर जो मेरा लंच है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और बच्चों को अभी नहीं खाना है, वो मना कर रहे हैं खाने के लिए, तो मैं बस अपने लिए निकालने लगी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की जो रेसिपी है वो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनती है। तो खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक कि अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।